उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीन से कनाडा आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। चीन, मकाओ, हांगकांग से आने वालों पर हुकूमती फैसले का इतलाक होगा। कैनेडियन हुकूमत का फैसला 30 रोज तक नाफिस रहेगा। आतिशी असले की वापसी के लिए कैनेडियन हुकूमत मुतादिद इख्तियारात पर गौर कर रही है। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि हम हुकूमत की दीगर सतहों के साथ भी काम कर रहे हैं। फैसले में बहुत से अहम स्टेक होल्डर्स और शराकतदार शामिल होंगे। कनाडा में आवाम हुकुमरानों से इतना नाराज क्यों है? कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना है कि हालिया महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। कैनेडियन ने दो दिहाइयों में इतना ज्यादा बुरा वक्त कभी नहीं देखा। मगरबी ममालिक यूक्रेन की तवील मुद्दती मदद के लिए तैयार रहें। नेटो चीफ का कहना है कि रूस मुमकिन तौर पर एक नया हमला शुरू करने की भी कोशिश में है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन की आज़ादी तक रूसी जहरियत का मुकाबला करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में हमला आवर ने छुरी मारकर कई पुलिस अहलकारों को जख्मी कर दिया। जवाबी हमले में नौजवान हमला आवर जख्मी हो गया। एफबीआई और ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने तफ्तीश शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. चीन से कनाडा आने वाले मुसाफिरों को केसेस में इजाफे के बाद मनफी COVID-19 टेस्ट का सबूत देना होगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन से कनाडा आने वाले मुसाफिरों को केसेस में इजाफे के बाद मनफी COVID-19 टेस्ट का सबूत देना होगा। 5 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आने वाले चीन के मुसाफिरों को कोरोना के मनफी टेस्ट लाजमी दिखाने होंगे। इससे कबल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस समेत कई ममालिक भी इसी तरह की पाबंदियां आयद कर चुके हैं। कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि चीन के मुसाफिरों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट दिखाने का आर्जी इकदाम 30 दिन तक जारी रहेगा और ये पाबंदी मकाओ और हांगकांग से आने वाले मुसाफिरों पर भी लागू होगी। कौमियत और वैक्सीनेशन की हैसियत से कतई नजर कनाडा के आर्जी इकदाम 2 और उससे ज्यादा उम्र के तमाम मुसाफिरों के लिए होंगे। PHAC के मुताबिक 30 दिनों के बाद मजीद आदाद शुमार और शवाहिद सामने आने पर इकदाम का दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर मुख्तलिफ ममालिक तशवीश में मुब्तला हो गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट दिखाने की शर्त आयद कर दी। 5 जनवरी से कनाडा में चीन, हांगकांग या मकाओ से आने वाले हवाई मुसाफिरों को उनकी रवानगी से कबल किए गए मनफी COVID-19 टेस्ट के सबूत फराहम करने की जरूरत होगी। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि सेहत के आर्जी इकदाम 30 दिनों के लिए चीन में वायरस में इजाफे और महदूद वबाई अमराज और दीगर आदाद शुमार के लिए एक रद्द अमल है। टेस्टों को रवानगी से 2 दिन से ज्यादा पहले नहीं लिया जाना चाहिए और ये या तो मनफी मॉलिक्यूलर या एंटीजन टेस्ट हो सकता है, जिसमें दस्तावेजात के साथ ये जाहिर होता है कि इसकी निगरानी टेली हेल्थ सर्विस, तस्लीम शुदा लेबॉरटरी या टेस्टिंग फराहम कुनंदा के जरिए की गई है। जिन मुसाफिरों ने 10 दिन से ज्यादा मुस्बत तजुर्बा किया लेकिन उनकी रवानगी से 90 दिन से ज्यादा नहीं हुए, वो मनफी नतीजे के बदले एयरलाइन को वो दस्तावेजात फराहम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी वजीर सेहत के मुताबिक मुसाफिरों को चीन, मकाओ, हांगकांग से रवानगी के 48 घंटों के अंदर कराए गए
कोरोना के मनफी टेस्ट पेश करने की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी हुकूमत मुसाफरों के रजाकाराना नमूने लेने समेत इजाफी इकदाम पर भी गौर कर रही है। कैनेडियन हुकूमत मनसूबा बंद आतशी असले की वापसी के प्रोग्राम के लिए मुतादिद इख्तियारात पर नज़र रखे हुए है। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत मनसूबा बंद आतिशे असलहे की वापसी के प्रोग्राम के लिए मुतादिद इख्तियारात पर नज़र रखे हुए हैं। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मैनिचिनो का कहना है कि वफाकी हुकूमत ममनुआ आतिशी असलहे की मनसूबा बंद खरीदारी के लिए मुतादिद ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें बैरूनी मदद की फहरिस्त भी शामिल है। लिबरल हुकूमत ने आतिशी असलहे के तकरीबन 1500 मॉडल्स और मुख्तलिफ किस्मों पर मई 2020 में एक ऑर्डर इन काउंसिल के जरिए इस बुनियाद पर पाबंदी आयद कर दी कि उनके शिकार या खेलों की शूटिंग में कोई जगह नहीं है। मुजवजा बाय बैक प्रोग्राम के तहत मालिकान से ये मुतालबा किया जाएगा कि वो या तो ये आतिशें असलहे हुकूमत को फरोख्त करें या उन्हें वफाकी खर्च पर नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया जाए। कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने लिबरल हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आने वाले प्रोग्राम की फराहमी के लिए वसाइल से महरूम पुलिस फोर्सेस पर इन्हिसार ना करे। एक हालिया इंटरव्यू में पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मैंडिचिनो ने कहा कि वो इस साल के शुरू में प्रोग्राम की शक्ल के बारे में कुछ खबरों की उम्मीद रखते हैं। उनका कहना था कि जब बाय बैक प्रोग्राम की फराहमी की बात आती है तो हम मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हम इसे दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी वक्त निकाल रहे हैं। उनका कहना था कि इसमें बहुत से अहम स्टेक होल्डर्स और शराकत दार शामिल होंगे, बशमूल कानून नाफिज करने वाले, लेकिन हम हुकूमत की दीगर सतहों के साथ भी काम कर रहे हैं। हम सनत के रहनुमाओं के साथ काम कर रहे हैं, हम मुमकिन तीसरे फरीक के साथ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम तलाश कर रहे हैं। हुकूमत ने एक ममनुआ हमला तर्ज की आतिशी असलहे की एक सदा बहार तारीफ तजवीज़ की है, जिसे गन कंट्रोल कानून साजी में शामिल किया जाएगा, जिसे बिल C-21 कहा जाता है, जिसका कॉमन्स कमेटी मुताला कर रही है। कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट और कुछ आतिशी असलहे के हामियों का कहना है कि हमला तर्ज की बंदूकों पर पाबंदी लगाने की बोली गैर मुनसिफाना तौर पर बहुत सी आम इस्तेमाल शुदा राइफलों और शॉट गनों को निशाना बनाती है। कैनेडा के कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा का कहना है कि कैनेडियन आज के सियासी माहौल में नाराज हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा का कहना है कि कैनेडियन आज के सियासी माहौल में नाराज़ हैं। सियासत में ज़्यादा महज़ब होने पर बहस करते हुए कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने मुंतखब अहदेदारों से उन वजूहात का पता लगाने के लिए भी कहा कि कैनेडियन आज के सियासी माहौल में इतने नाराज क्यों हैं। उन्होंने एक वी साइट पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नामुनासिब जुमले के झंडे का हवाला देते हुए कहा कि हमें अपने आप से पूछना होगा कि लोग इतने नाराज क्यों हैं, जैसे लोग इतने नाराज क्यों हैं, और जवाब यह है कि वो तकलीफ दे रहे हैं। उनका कहना था कि हालिया महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। उन्होंने तिब्बी सहूलियात के साथ घर की मिल्कियत की कीमत और ओपेट की लत की तरफ भी इशारा किया है कि कैनेडियन किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में अपनी तकरीबन दो दहाइयों में उन्होंने हमारी आबादी में इतना दुख और इतना दर्द और तकलीफ कभी नहीं देखी। उनका कहना था कि जब हुक्मरान आवाम को ज्यादा महज़ब होने का कहता है तो उन्हें उनके मसाइल को भी हल करने की ज़रूरत होती है। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक सरबरा एलन ओटोन ने एक वेबसाइट पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ट्रूडो के खिलाफ नामुनासिब जुमलों की तरफ इशारा देते हुए लिखा था कि ये इस बात की अलामत है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सियासी स्टंट और जारहाना बयानबाजी के लिए बेहिस हो रहे हैं। उनका कहना था कि ये बुनियाद परस्त पोजिशंस कैनेडियन की अक्सरियत के लिए गैर मामूली लग सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंतहाई ख्यालात को मजीद वसत मिलती है और अक्सर एतदाल पसंद ख्यालात को ख़त्म कर देते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मगरबी ममालिक को यूक्रेन को तवील मुद्दती मदद फराहम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस की जानिब से नरमी के कोई असर नज़र नहीं आते। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जींस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि मगरबी ममालिक को यूक्रेन को तवील मुद्दती मदद फराहम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस की जानिब से नरमी के कोई आसार नज़र नहीं आते। जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल के मौके पर अपने पैगाम में अहद किया है कि वो यूक्रेन की आज़ादी तक रूसी फौजी जारहियत का मुकाबला करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जींस स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि फौजी मदद यूक्रेन के एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर बका को यकीनी बनाएगी और रूस को बैठकर
जंग के खात्मे के लिए बातचीत करने पर मजबूर करेगी। उनका कहना था कि यूक्रेनी अफवाज की रफ्तार कई महीनों तक थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रूस ने मजीद बहुत सी अफवाज को मुतहरिक कर दिया है, जिनमें से बहुत से अब तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये सब उसी बात की निशानदेही करता है कि वो जंग जारी रखने के लिए तैयार है और मुमकिन तौर पर एक नया हमला शुरू करने की भी कोशिश में है। उन्होंने कहा कि रूस के जुज़्वी मुतहरिक प्रोग्राम, जिसका सितंबर में हुक्म दिया गया था, जाहिर करता है कि मास्को इस वक्त जंग को खत्म करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने पैगाम में यूक्रेनी फौजियों की हिम्मत और इस्तकलाल को लाजवाब करार देते हुए कहा कि तकरीबन एक साल गुजर जाने के बावजूद रूसी फौज अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से यूक्रेनी फौज की तरफ से किया जाने वाला दिफा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 2023 में यूक्रेन फतह होगा और हम सब खुशियां मनाएंगे। अफवाज और आवाम रूसी जहरियत के आगे नहीं झुकेंगे और हमलों का जवाब देंगे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हमला आवर ने छुरी मारकर कई पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया, जबकि FBI और ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने इस हमले की नौयत का तायुन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हमला आवर ने छुरा मारकर कई पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया, जबकि FBI और ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने इस हमले की नौयत का तायुन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक 19 साल नौजवान ट्रेवर बिगफोर्ड ने गश्त पर मामूर पुलिस अहलकारों के सरों पर छुरे से वार किए। जवाबी हमले में नौजवान हमला आवर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर के करीब पुलिस पर छुरे से हमला हुआ है, जिसमें 3 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। FBI और ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स ने इस हमले की नौयत का तायुन करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। कमिश्नर न्यूयॉर्क सिटी के मुताबिक हमला रात 10 बजे के बाद टाइम्स स्क्वायर पर नए साल की रात को सिक्योरिटी जोन के बाहर हुआ। अचानक एक लड़का आया और पुलिस अहलकार के सर में छुरा मार दिया। उसके बाद उसने 2 मजीद अहलकारों को छुरा मारा। इस दौरान एक अहलकार ने उसके कंधे पर गोली मार दी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।